टू रेडियस कंपनसेशन किसे कहते हैं? ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है कि टूल रेडियस कंपनसेशन किसे कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमको कोई चीज पता होती है लेकिन उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स यूज तुरंत वह नहीं मिलते, तो इसीलिए मैं फिर इसे क्वेश्चंस और आंसर्स के रूप में ले रहा हूं। तो इसका जो आंसर होगा, टूल रेडियस कंपनसेशन क्या है? टूल रेडियस कंपनसेशन, टूल रेडियस कंपनसेशन, जिसको हम कटर कंपनसेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, टूल रेडियस कंपनसेशन एक फंक्शन है, टूल रेडियस कंपनसेशन एक फंक्शन है जो कि प्रोग्राम वैल्यू तथा एक्चुअल वैल्यू तथा एक्चुअल वैल्यू प्रोग्राम वैल्यू और जो पाथ की प्रोग्राम वैल्यू होती है और एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू के बीच की एरर को कैलकुलेट करके, बीच की एरर को कैलकुलेट मतलब प्रोग्राम की वैल्यू कुछ दी हुई है लेकिन एक्चुअल में उतनी वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो और प्रोग्राम की वैल्यू दोनों के बीच में जो एरर है, जो गैप है, एरर माने गैप, बीच की एरर को या गैप को कैलकुलेट करके और हमारा G41 या G42 के द्वारा, या तो हम G41 यूज करेंगे या G42 करेंगे, तो G41 या G42 के द्वारा कंपनसेट का मतलब ऑफसेट, कंपनसेट करता है मतलब उसकी भरपाई कर देता है जो गैप है। तो अल्टीमेटली अब ये गैप आता क्यों है, क्वेश्चन यह, ये तो इसकी मैंने आपको बता दिया, अब कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तो भाई क्यों आता है अब वो समझ। जैसे मान लो एक मिलिंग कटर उठा ला, उसमें से ना मशीन में से एंड मिल जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा एक वर्क पीस है, जब हम ऑफसेट लेंगे तो उस समय हमें क्या कैसे करना होगा वो आप समझ लो। ऑफसेट लेंगे तो हमारा जो टूल है, अरे बेटा इसमें ये टूल है, इनमें से लिया हो, हाँ ये टूल लग नहीं रहे, हाँ तो इनमें देखो टूल निकालो, हाँ लिया हो, और होगा कटर, होगा कटर भी होगा ऐसा एनिमल, जिसमें लग रहा है वही लिया खाली, जिसमें लग रहा है, हाँ अभी टूल मंगाया मैंने, हाँ ले आओ जल्दी ले आओ। तो क्या है कि बेसिकली, हाँ जल्दी दो, ड्रिलिंग का है, ड्रिलिंग कोई बात नहीं, ड्रिलिंग का है तो नो प्रॉब्लम, एडमिल नहीं है, नहीं दो ही लगा था बस, ये एडमिल, ये हमारा एंडमिल, दोनों ड्रिल है, दोनों चलो कोई बात नहीं, मैं ड्रिल को दिखा देता हूं। जैसे मान लो हमारा टूल ये यहां पे है, जब हम ऑफसेट लेंगे तो ऑफसेट लेते समय हमको ये देखना होगा कि ऑफसेट जब हम ले रहे हैं तो टूल टच कहां करा रहा है ना, और कंपनसेशन की आवश्यकता क्यों है। मान लो मैं ये हमारे वर्क पीस है, इसको मैं बोर्ड पर बनाता हूं, जैसे
ये मैंने वर्क पीस बना दिया। अब इस वर्क पीस में आप देखो इधर होगा x प्लस x माइनस y प्लस और नीचे y माइनस, ठीक है। अब टूल को जब हम टच कराते हैं, जब जीरो पॉइंट बनाते हैं, तो जीरो पॉइंट बनाते समय हम x में टच कराएंगे तो यहां पे इस वाली लाइन पर टच कराएंगे तो टूल हमारा यहां पे टच करेगा, और जब हम वर्टिकल में यहां टच कराएंगे तो टूल हमारा यहां टच करेगा। जब हमारा टूल इस लाइन पर टच कराया है तो ये लाइन हमारी एक्स की लाइन है, जब एक्स की लाइन पर टूल टच हुआ है तो इस लाइन पे वाई का मान शून्य होगा। वाई का शून्य क्यों होगा? क्योंकि ये एक्स की लाइन है, ये मैं कोऑर्डिनेट में बताते हैं ना, वाई जीरो हो जाएगा और इस लाइन पे एक्स का मान शून्य होगा। अगर मैं इसको एक लाइन लिखूं कि जी जीरो एक्स 0.0 और वाई 0.0, अगर मैं ये लिखता हूं, समझना, अगर मैंने एक्स 0.0 वाई 0.0 लिखा और मैंने ये टच कराया ये वाला और ये वाला, तो अल्टीमेटली हमारा जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, क्योंकि ये टच हमने टूल यहां टच कराया और यहां कराया तो पॉइंट हमारा बन के आ रहा है यहां पे। लेकिन अगर हम ऑफसेट में कटर का रेडियस नहीं भरेंगे, ऑफसेट में कटर का रेडियस वैल्यू नहीं भरेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा जो जो टचिंग है, जब इस लाइन को लिखने से जब ये आएगा वो यहां आएगा यहां पे। अगर मान लो हमारा ये एंड मिल कटर है, इस कटर का डाया 8 है, कटर का डाया 8 mm है, कटर का डाया कितना है 8 mm है, तो कटर का डाया अगर 8 mm है तो हमारा जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है 8 mm कटर का डाया है, तो ये यहां पे आएगा, तो अल्टीमेटली हमको क्या करना होता है कि ये वाला सेंटर, कटर का जो सेंटर है, हमको इस पॉइंट पे लेके जाना, हमें जब हम ऑफसेट लेते हैं तो ऑफसेट लेते समय हम टूल का रेडियस भरते हैं या डायमीटर, ठीक है ना। तो जहां रेडियस का ऑप्शन आएगा तो रेडियस और डाया का होगा तो डाया, तो हम जब उसमें रेडियस भरेंगे वैल्यू, तो रेडियस वैल्यू भरने से ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। अब ये कैसे होता है समझो, ये हमारी पॉइंट की पोजिशन है और यहां पे ये वर्क पीस है, ये मशीन की हम पोजीशन है, नीचे दिख रहा है ना, ये मशीन की हम पोजीशन है, सो दिस इज मशीन होम। मशीन होम जब हम यहां से और इसके बीच की दूरी जो ऑफसेट में हम भरते हैं, तो हम क्या भरते हैं, इसके और इस पॉइंट के बीच की दूरी। जब हम इस टेबल को आगे लेके जाएंगे तो जब ये टेबल आगे जाएगी तो ये वाला एंड और ये वाली आर, ये दोनों हमारी यहां पहुंचेंगे। जब ये पॉइंट हमारा अल्टीमेटली हम ऑफसेट किसके ले रहे हैं, इसके ले रहे हैं, तो हम ये पॉइंट से कंसीडर करेंगे, तो मान लो इस पॉइंट से ये हमारी ऑन पोजिशन की वैल्यू हमने ले ली, अगर हम इस पॉइंट से यहां की वैल्यू कंसिडर करते हैं और ये वैल्यू मान लो ये है -200 और इधर है ऊपर को जो यहां से ऊपर की वैल्यू ये मान लो -180 है। तो अब हमारा जब ऑफसेट में लेते हैं तो G54 की टेबल में बना देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां पे मैं आपको दिखा क्या है कि मान लो हमने एक टेबल बनाएगी जिसको हम कहते हैं वर्क कोऑर्डिनेट। जब हम वर्क कोऑर्डिनेट में ऑप्शन लेंगे तो यहां पे जैसे G54 आएगा तो यहां पे आएगा नंबर एक्स वाई और जेड, तो यहां पे आता है G54
G55, G56, G57 है ना, और G58 और G59। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मान लो हमने जो हमारा पॉइंट आना है, अगर हम यहाँ एज पे ले रहे हैं तो यहाँ आएगा, और आप सेंटर पे ले रहे हैं तो आप सेंटर पे भी सेंटर टू सेंटर भी ले सकते हैं। मान लो इसका सेंटर ये है और सेंटर टू सेंटर आप लेंगे तो ये हमारा सेंटर ये जीरो करने के लिए, आप इसे जीरो कर लो भले ही। तो जब इसे जीरो कर लोगे तो ये हमारा हो गया वाई प्लस वाई माइनस एक्स प्लस और एक्स माइनस। एक्सप्लेन करने में थोड़ा ऐसे इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि ये हमारा ये डायमेंशन, ये तो ये हमारा हो गया मशीन की होम पोजीशन है, ये मशीन की होम है। अगर ये यहां पे हम करते हैं तो इधर से जो वैल्यू है ये वाली तो हो जाएगी वाई की वैल्यू। मशीन होम से जब हमारा टेबल एक्स वाई की टेबल इधर जाएगी तो हमारी वाई में जाएगी मान लो -180 और एक्स में जो जा रही है ये जा रही है मान लो -200। तो ये पॉइंट जब वहां पहुंचेगा तो उस समय क्या होगा कि हम टूल को जब टच कराएंगे तो पॉइंटों पे टच कराएंगे, जीरो जीरो करेंगे, तो जब हम जीरो जीरो करेंगे तो उस समय हमारा चारों पॉइंट कॉर्नर पे टच करा के तब हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे उसका। तो जब हम इसको निकालेंगे जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, मान लो ये आ रही है एक्स में -200 और वाई में -180। अगर हम इतनी वैल्यू फिक्स भर देते हैं, समझना, तो क्या होता है कि हमारा जब टूल चलेगा तो वो बेसिकली यहां पे टूल कटर का जो सेंटर है वो सेंटर एग्जैक्ट यहां पे नहीं आएगा, वो यहां आएगा सेंटर। मतलब सेंटर जो है एक्स में कटर का डाया 8 है तो ये इधर से 4 और इधर से भी 4 हटके इधर बनेगा। अगर इसीलिए हमें कटर रेडियस हमको भरना पड़ेगा टेबल में। कटर की रेडियस का जो है ना टेबल होगी उसमें हमें भरना है। कटर का रेडियस मान लो हमारा 8 का है तो हमें 4 mm वहां पे हमको भरना पड़ेगा। जब वहां पे हम 4 mm फिलअप करेंगे तो हमारा ये सेंटर एग्जैक्ट इस सेंटर पे आ जाएगा। अगर हम ऑफसेट ले रहे हैं सेंटर में तो, और अगर हम ऑफसेट ले रहे हैं एज पे तो एज पे ऑप्शन लेंगे, तो एज पे ऑप्शन लेने के लिए फिर हमारा जो है ना यहां पे अगर ऑप्शन लेते हैं तो अगर हम ये नहीं भरेंगे तो हमारा यहां पे आके रुकेगा, और अगर ये भर देंगे तो ये सेंटर इस सेंटर के ऊपर लाई कर जाएगा ऐसा। मतलब सीधा सीधा है कि हमें कंपनसेशन जब हम ऑफसेट लेते हैं उस समय कंपनसेशन को हमें भरना होता है, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। अब आप देखो जब कंपनसेशन लेंगे तो ये जो रियल में वैल्यू कितनी है टचिंग की -200, अगर हमने 4 mm का कंपनसेशन भर दिया तो ये हमारी 200 नहीं होगी, फिर हमारी ये हो जाएगी -196 और ये हो जाएगी -176 वाई, ठीक है ना। और जेड में तो टचिंग की जो वैल्यू होती है जेड में कंपनसेशन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू घटी क्यों इसमें से, क्योंकि हमारा ये पॉइंट ऑटोमेटिकली उस जो वर्क पीस का सेंटर है वहां पे लाई करेगा। तो मतलब सीधा सीधा है कि हमारा जो ऑफसेट हम ले रहे हैं वो काय के लिए ले रहे हैं कि टूल का जो सेंटर है या कटर का सेंटर है और वर्क पीस का सेंटर या कोई भी टचिंग पॉइंट है, चाहे यहां कराओ चाहे यहां कराओ, टचिंग पॉइंट से बिल्कुल एग्जैक्ट मीट कराना, इसके लिए वो ऑप्शन लिया था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में वेट लिखता हूँ क्या है। टूल रेडियस कंपनसेशन क्यों लेते हैं, टूल रेडियस कंपनसेशन क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर है कि एक्चुअल पाथ, प्रोग्राम पाथ, प्रोग्राम पाथ एंड एक्चुअल पाथ के बीच की एरर को दूर करने के लिए, के बीच की एरर को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री। अब इसमें क्वेश्चन बनेंगे, देखो क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना उनका जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा है, टूल रेडियस कंपनसेशन को कटर कंपनसेशन क्यों कहते हैं, टूल रेडियस कंपनसेशन को कटर कंपनसेशन क्यों कहते हैं। टू रेडियस कंपनसेशन को कटर कंपनसेशन क्यों कहते हैं, अब ये इसका आंसर, मतलब टूल रेडियस कंपनसेशन है, इसका दूसरा नाम है कटर कंपनसेशन। कटर कंपनसेशन क्यों करते हैं, कहते हैं क्योंकि ये केवल मिलिंग ऑपरेशन में ही हमें कंपनसेशन देना होता है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं आंसर में लिखता हूं, मिलिंग ऑपरेशन में कंपनसेशन की आवश्यकता होती है, कंपनसेशन की आवश्यकता होती है, मिलिंग ऑपरेशन में कंपनसेशन चाहिए। इसीलिए जब मिलिंग ऑपरेशन, अब ये कटर क्यों बोला, क्योंकि मिलिंग कटर से मिलिंग ऑपरेशन होता है, मिलिंग ऑपरेशन होता है, मतलब मिलिंग कटर से मिलिंग ऑपरेशन होगा, तो मिलिंग कटर से मिलिंग ऑपरेशन होता है, इसीलिए इसको जो कटर वर्ड आया, ये कटर वर्ड वहां इसीलिए यूज होता है, इसीलिए इसको कटर कंपनसेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसे कटर कंपनसेशन भी कहते हैं, कंपनसेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए क्वेश्चन तीन। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर क्या है हमारा, एक बार मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन फोर, टूल रेडियस कंपनसेशन किन एक्सिस में लिया जाता है, टूल रेडियस कंपनसेशन, कंपनसेशन, कंपनसेशन को कहते हैं कटर कंपनसेशन भी कह सकते हैं, अब हम कटर कंपनसेशन भी कह देंगे अब तो हम, है ना, किन एक्सिस में लिया जाता है, किन एक्सिस में लेते हैं। तो सीधा सीधा है इसका आंसर कि हम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस, जेड में इसकी, जेड में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक्स और वाई में ही, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब x और y एक्सिस में क्यों, क्योंकि मान लो ये कटर है, अगर कटर हमारा ऊपर से टच कराते हैं तो यहां पर टच करता है, तो पूरा का पूरा टूल टच कर रहा है, तो z एक्सिस में कंपनसेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बट
एक्स और वाई में, एक्स और वाई में क्या है कि हमारा एक्स एक्सिस में यहां पे चलाएंगे इधर, तो ये टच कराएगा साइड और इधर ये साइड टच करेगी, तो इसका जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर को पॉइंट जो हमारा टचिंग पॉइंट है उस पर सेंटर को लाने के लिए हमें कंपनसेशन यूज करना होता है, ठीक है ना। बाकी जेड में कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स और वाई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर, टू रेडियस कंपनसेशन तीन एक्सिस में जाएगा जी फोर्टिबल। हाँ, क्वेश्चन नंबर फाइव, जी फोर्टी वन का यूज कब करते हैं, मतलब जी फोर्टी वन हमारा कब यूज होगा, जब आंसर, इसका आंसर है जब टूल को लेफ्ट में शिफ्ट करना, लेफ्ट में शिफ्ट करना, मतलब जब हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा तो जी फोर्टी वन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, जी फोर्टी टू कब यूज करेंगे, आंसर जब टूल को राइट में शिफ्ट करना, मतलब हमें राइट में शिफ्ट करना है तो हम G42 का यूज करें, तो लेफ्ट के लिए G41 और राइट के लिए G42। क्वेश्चन सेवन, G40 का यूज कब करते हैं, तो इसका आंसर है G41 या G42 को कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो G41 क्या हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट करना, G42 हो गया राइट में शिफ्ट करना, और G40 क्या करता है, इन दोनों को कैंसिल करता है पाथ। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले क्वेश्चन आंसर आपको दे देता हूं। G40 क्या था, G40, G41 और G42 को कैंसिल करता है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया आपका छः सात आठ सात हो गया फोर्टी, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर आठ, क्या जी फोर्टी वन जी फोर्टी टू के बगैर प्रोग्राम बनाया जा सकता है, आंसर यस। हम G41, 42 ना भी यूज करें तो अभी प्रोग्राम बनेगा, बशर्ते वहां पर फिर हमें वैल्यूज को कैलकुलेशन में ऐड करना पड़ेगा, बट प्रोग्राम बन जाएगा, आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, जी फोर्टी वन जी फोर्टी टू का यूज किन ऑपरेशन में करते हैं, किन ऑपरेशन में करते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जी फोर्टी वन फोर्टी टू कब करेंगे, किन ऑपरेशन में, तो इसका आंसर है मिलिंग ऑपरेशन। अब आप कहोगे सर मिलिंग ऑपरेशन इसका क्या तुक हुआ, इसका तुक है कि हमने कंपनसेशन कहां लिया, एक्स और वाई में, और मिलिंग जो होती है वो एक्स और वाई में होती है, जेड में नहीं होती, जेड में तो ऐसे टूट जाता, जेड में क्या है होल्ड पैटर्न चलता, होल्ड करना होता वो होता है, मिलिंग जो होती है मिलिंग ऐसे होती है, ऐसे होगी या ऐसे, ठीक है ना। तो एक्स और वाई में जो मिलिंग हम करते हैं, हमारा जो जो है ना मिलिंग ऑपरेशन जब चलेगा उसमें हम यूज करेंगे,
हालांकि मिलिंग आप मान लो आपकी तीनों एक्सिस में मिलिंग कर रहे हो, जेड में भी मिलिंग कटर चला रहे हो, जेड में चलाना इतना इजी नहीं है, कटर को जेड में नहीं चलाया जाता क्योंकि कटर टूट जाएगा। तो कटर को तो केवल जो है ना ऐसे चला सकते हैं और ऐसे चला सकते हैं, नीचे उतारने में रैंप में उतार सकते हैं, रैंप में उतारा जा सकता है। तो इसीलिए कटर जो है ना ऐसे कटाई नहीं करता। अब आप कहोगे सर कटर ऐसे कटाई नहीं करता मतलब क्या हुआ? कटर में क्या होता है कि इस तरीके से हमारी फ्लूड्स होते हैं। अब ये फ्लूड देखो कटाई करेंगे तो ये फ्लूड क्या करेंगे, नीचे को कटाई तो नहीं करेंगे, या तो ये फ्लूड हमारा मतलब ऐसे साइड में फ्लूट है ना, ये इनका फ्लूट का जो नोज है वो नीचे को थोड़ी है। तो दिस इज मिलिंग कटर, मिलिंग कटर या एंड मिल। जबकि ड्रिलिंग जो टूल होता है तो ड्रिलिंग टूल ऐसे होता है, तो ड्रिलिंग टूल कटाई करता है ऊपर नीचे। तो ड्रिलिंग क्या करता है, जेड में कटाई करता है, और मिलिंग और एंडमिल ये करेगा एक्स और वाई में। ये ध्यान रखना है कि ड्रिलिंग वाला टूल, मिलिंग का कटर जो है ना, एंडमिल का कटर जो है ना, मैं अरे वो मशीन ऑन करके ना कटर निकाल, मशीन ऑन करना बीएमसी, ये दिखा देता हूं, बीएमसी ऑन कर देना एक बार, बीएमसी ऑन कर। मैं अभी जब तक क्लास करके ना फिर आपको ऑन करके चलानी नहीं है। हाँ तो मिलिंग ऑपरेशन जो है ना ड्रिलिंग टैपिंग बोरिंग में, हम ड्रिलिंग टैपिंग बोरिंग में जेड में होता है, यहां पे कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं होती। सो क्वेश्चन नंबर 9 और इसी में क्वेश्चन नंबर 10, किन ऑपरेशन G41/G42 का यूज किन ऑपरेशन में नहीं करते, किन ऑपरेशन में नहीं करते हैं, इसमें आता है आंसर ड्रिलिंग टैपिंग एंड बोरिंग ऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो गया, मतलब ड्रिलिंग टैपिंग। जैसे ड्रिलिंग तो आप, ड्रिलिंग टूल तो आप सब जानते ही हो, ये ड्रिलिंग टूल है। तो इसके फ्लूट क्या है, जो एज है ना कटाई की वो नीचे को होती है, तो ड्रिलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ड्रिलिंग में तो जेड में होगा, तो यहां हमें कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेड में हमने ऑफसेट में भरा ही नहीं, जेड के ऑफसेट जब लिया था तो रेडियस वैल्यू फिल ही नहीं करी, जब हमने रेडियस वैल्यू फिल नहीं करी तो उसमें कंपनसेशन की आवश्यकता ही नहीं है। जहां रेडियस वैल्यू फिल करेंगे वहीं तो कंपनसेशन हो गए, तो अल्टीमेटली इसमें हमें कंपनसेशन की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, अगला 10 क्वेश्चन हो गए, अभी मेरे पास और क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। सभी एमसीयू का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कटर कंपनसेशन किन ऑपरेशन में यूज नहीं करते, हो गया 11 तो हो गया 12 ऑप्शन लेते समय कटर का रेडियस बढ़ते हैं या डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 11 हो गए थे, कटर का ऑफसेट लेते समय, ऑफसेट लेते समय कटर का रेडियस भरते हैं या डायामीटर, मतलब जब हम कंपनसेशन लेंगे तो एनसी ऑन भी कर दो, इधर का उधर की एनसी उठा दो, उधर का एनसी इसका वो भी है ना। ऑप्शन लेते समय कटर का रेडियस भरते हैं या डायामीटर, तो आंसर आता है कहीं डिपेंड करता है, कहीं डायामीटर और हाँ कहीं रेडियस। पैनल की एमसीक्यू उठा दो और उसका ना ड्राइव ऑन
मेन पैनल पर ड्राइव ऑन लिखा है उसको ऑन कर देना, कई डायमीटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, यदि कटर कंपनसेशन नहीं दें तो वैल्यू में क्या अंतर आएगा, वैल्यू में क्या अंतर आएगा। इसमें आएगा एक्स और वाई की वैल्यू रेडियस के बराबर, कटर रेडियस, कटर रेडियस के बराबर शिफ्ट हो, ठीक है। मतलब रेडियस, कटर का जो रेडियस होगा उतना वैल्यू अगर आप नहीं भरेंगे तो वैल्यू क्या करेगी, उतना शिफ्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 14, टूल रेडियस कंपनसेशन तथा टूल नोज रेडियस कंपनसेशन में क्या अंतर है, टूल रेडियस कंपनसेशन और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन में क्या अंतर है। तो इसमें आंसर आता है, टूल रेडियस कंपनसेशन का मतलब है टूल जो कटर है हैंडल का उसका रेडियस, और टूल नोज रेडियस, नोज रेडियस का मतलब है कि हमारा जो टर्निंग में टूल लगता है ODID में। तो टूल रेडियस कंपनसेशन और टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, नोज का मतलब टूल रेडियस हो गया ये कटर है, तो कटर हमारा राउंड है कटर, तो इस राउंड का जो रेडियस है, सो दिस इज टूल रेडियस। और टूल नोज रेडियस होता है जो टर्निंग में टूल यूज होता है, जैसे मान लो टर्निंग की हमारी इंसर्ट है, अब ये जो नोज है ना, इसकी नोज, दिस इज इंसर्ट, इसकी जो नोज है, सो इस नोज का रेडियस, नोज रेडियस, तो इसका इंसर्ट में उसे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।